हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आप लोगों की तैयारी को आगे बढ़ाने की सीरीज में मैं लेकर आई हूँ स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह विद पीडीएफ। मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। हम लोग कर रहे थे चैप्टर वन और ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक विद्रोह, जो प्रारंभिक विद्रोह हुआ था उसके संबंध में था ये चैप्टर। आज इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 करेंगे, जो कि इसका आखिरी पार्ट होगा। मतलब कि 5 पार्टों में ये पूरा चैप्टर विद समरी सारा कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी कोई भी जगह नहीं है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकें। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और सक्सेस मंच पेज को लाइक करके उसके मेंबर बनिए, और फिर ये पीडीएफ वहाँ से आप देख सकते हैं और सिर्फ 10 मिनट की रीडिंग में पूरा ही चैप्टर 1 रिवाइज कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐसे ही चैप्टर 2, चैप्टर 3 और जितने चैप्टर्स हैं सबके पीडीएफ और सार संग्रह मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम के द्वारा। बट जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को वहीं से मिलेगी। और अपने जो भी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, आपका फेसबुक पेज का ग्रुप है, उसमें इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि UPSC का कैलेंडर भी आ चुका है, आप एग्ज़ाम की डेट भी पता चल गई है। प्री का एग्ज़ाम दिसंबर में है और उसके ही जस्ट 6 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम है। तो तैयारी जोरों पर शुरू कर दीजिए, और MPPSC भी जल्द ही होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने देख ही लिया था, एक क्विक रिविज़न के लिए आप लोग एक बार स्लाइड्स देख लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, 1857 के प्रूफ के कौन कौन से विद्रोह हुए थे, सारे विद्रोह हमने समराइज किए थे यहाँ पर, समरी देखी थी सबकी। और इनमें से एकाध विद्रोह के जो पॉइंटर्स हैं वो ज़रूर पूछ ले जाते हैं MCQ के तौर पे आप लोगों के एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद हमने देखे थे 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, क्रांति का संगठन क्या था, 1857 की क्रांति का उद्देश्य क्या था, समय क्या था, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, उनके प्रमुख नेता और नेतृत्वकर्ता कौन थे। आज हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे। अगर उस समय 1857 की क्रांति सफल हो गई होती तो हमारा देश कब का आज़ाद हो चुका होता, 100 साल की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। और तो उस समय क्या क्या ऐसे कारण हुए जिसके कारण असफल हो गई ये क्रांति, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो कारण था वो था निश्चित समय की प्रतीक्षा नहीं की गई। इस क्रांति का जो समय निर्धारित किया गया था वो 31 मई का निर्धारित किया गया था। एक ही दिन क्रांति शुरू अगर होती तो ये व्यापक पैमाने पर होती और इसका प्रभाव भी व्यापक होता। बट सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई को ही क्रांति शुरू कर दी, विद्रोह शुरू कर दिया। और सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की जो योजना है वो अधूरी रह गई और क्रांति समय पर स्टार्ट नहीं हुई। सो ये असफल होने के इसके चांसेस यहाँ पर बढ़ गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति एक साथ शुरू हुई होती, कहीं कब हुई कहीं कब, वो मैंने डेट आपको मेंशन की है लास्ट की स्लाइड में, ये आप देख सकते हो। विद्रोह का दिन अलग अलग था सबका। अगर यही चीज़ समय पर होती तो फिर ये जो तस्वीर थी कुछ और ही होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता पहले ही मिल चुकी होती, 100 साल का वेट नहीं करना पड़ता हम सबको। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड कारण की। सेकंड कारण है सांप्रदायिकता का खेल। मतलब कि 1857 की क्रांति का दमन करने में जो था वो, ये जो 1857 की क्रांति थी ये देशव्यापिक जो शुरुआत हुई इसकी, तो अंग्रेजी सरकार ने शुरुआत को इसको हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से ही इसमें सांप्रदायिकता का खेल खेलने में ये मतलब वो हो गई, सांप्रदायिकता के यहाँ खेल इन्होंने शुरू कर दिया था। सांप्रदायिकता की भावना को उबार कर अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया।
तो यहाँ पर और मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया था। उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में अगर फिर से सत्ता आ गई तो हिंदू और सिखों के ऊपर वापस अत्याचार शुरू हो जाएगा। इसका मूल कारण यह था कि संपूर्ण पंजाब में जो बादशाह के नाम का एक झूठा फरमान जारी किया गया अंग्रेजों की ओर से, और जिसमें कहा गया था कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। तो ये झूठा जो भी फरमान फैलाया गया था, इस कारण से हिंदू और मुस्लिम आपस में और सिख बिल्कुल भी मिलजुल कर यहाँ क्रांति का सूत्रपात नहीं कर रहे थे। सो इस कारण से असफल हो गई ये क्रांति। नेक्स्ट हम बात करते हैं संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना। 1857 की जो क्रांति थी ये पूरे देश में नहीं हो पाई थी। संपूर्ण दक्षिण भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा इस क्रांति से अछूता रह गया था। यदि इन क्षेत्रों में भी क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति को इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलाना पड़ता और वो पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया इन सैनिकों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे शस्त्रार्थों का अभाव। क्रांति की जो स्टार्टिंग थी वो तो कर दी गई, बट आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक जो शस्त्रार्थ थे उसका प्रबंध नहीं कर सके थे। अंग्रेजी सेना ने तो तोपों, लंबी दूरी की मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया, बट क्रांतिकारियों को तलवारों और भालों के सहारे ही क्रांति को आगे बढ़ाना था। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता यहाँ पर प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सहायक साधनों का अभाव। तो सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी जो साधन है वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो सहायक साधन से यहाँ मतलब है रेल, डाक, तार और परिवहन और संचार के साधन। इसलिए इन जो साधनों का उन अंग्रेजों ने पूरा पूरा उपयोग किया। दूसरी ओर भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके पास इन साधनों का अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। वो अपना जो संवेद वो जो संप्रेषण था वो दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। सूचना के अभाव के कारण जो क्रांति थी वो क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान बनाने में असफल रहे थे यहाँ पर। और इसका पूरा पूरा फायदा जो मिला वो अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को कुचल दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैनिक संख्या में अंतर। एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिक वैसे ही कम थे, दूसरी ओर जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिए थे। उस समय कंपनी के पास वैसे 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देसी रियासतों के जो सैनिक थे अंग्रेजों ने उन्हें भी अपनी सहायता के लिए यहाँ बुला लिया था। और आप लोगों को जैसा पहले मैंने बताया कि उनके पास आधुनिक शस्त्र थे और यहाँ पर भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ भाले थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रांति का कठोरता से दमन। जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने क्रांति को कठोरता से दमन किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर उत्पात मचाया यहाँ पर, जैसे कि क्रांतिकारियों को तोपों के आगे बांध के उड़ा दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया, उनको फांसी पर लटका दिया गया, बहुत ही क्रूरतापूर्वक। तो जिससे लोगों में थोड़ा सा भय की भावना उत्पन्न हो गई और ये क्रांति असफल हो गई। तो ये मेन रीज़न थे क्रांति के असफल होने के। चलिए आगे बात करते हैं क्रांति के परिणाम। तो क्रांति के परिणाम दो श्रेणी में आए थे, एक तो अंग्रेजों के पक्ष में आए थे और एक आए थे भारतीयों के पक्ष में। दो तरीके से परिणाम आए थे, तो हम दोनों तरह से यहाँ पे पढ़ेंगे इस परिणाम के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों के पक्ष में रहे सकारात्मक परिणाम वो कौन कौन से थे। तो पहला परिणाम था यहाँ सत्ता का हस्तांतरण। क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से जो सत्ता थी वो निकल कर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई थी। इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था और अब भारत का शासन जो था प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नीति से होने लगा था। ऐसा करने से कंपनी द्वारा शासन व्यवस्था के लिए जो संगठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोर्ट ऑफ प्रॉपराइट्स तथा द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का विघटन कर दिया गया, मतलब इन सबको हटा दिया गया और इसके स्थान पर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब कि भारत सचिव के रूप में एक नए पद का यहाँ पर सृजन किया गया। तो भारत सचिव का पद आया 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा।
इस सचिव की सहायता के लिए इंग्लैंड में एक परिषद का भी गठन किया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बन गया और इसे वायसराय भी कहा जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत में अच्छे शासन प्रबंध की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा की और महारानी की इन घोषणाओं से भारतीयों का रोष और असंतोष जो था वो कुछ समय के लिए ज़रूर ख़त्म हुआ, बट ये तो बस दिखावा था। आगे आगे कहानी बहुत चली है, हम पढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सतर्कता में वृद्धि। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया, जिससे भविष्य में भारतीय सैनिकों की ओर से उन्हें कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो सके। इस समय यह भी निश्चित किया गया किसी भी भारतीय को उच्च सैनिक पद प्रदान नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को इस नीति को क्रियान्वयन करने से काफ़ी समय तक सुरक्षित रहने का अवसर मिला। काफ़ी समय तक कोई भी 1857 के बाद क्रांति नहीं देखी गई थी, बहुत लेट आकर 1900 जब आए तब वहां पर क्रांति देखी गई इंडिया में। नेक्स्ट है शस्त्रास्त्रों पर प्रबंध, मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने से मना कर दिया। इससे भारतीयों की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से उन्होंने पंगु बना दिया, मतलब लाचार कर दिया उन लोगों को। दुर्भाग्यवश भारत के जो धन से अंग्रेजी सरकार के सेना के जो आधुनिक शस्त्र थे वो उन्होंने खरीदे भारत के धन से, और भारत की जनसाधारण अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भी पारंपरिक शस्त्रार्थ रखने से उनको वंचित कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है देशी राजाओं से मित्रता। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं के साथ मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए। देशी राजाओं के साथ विरोध की नीति अपनाने की उन्हें भारी से भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आगे फिर ऐसी कोई क्रांति ना हो इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं से मित्रता करने और उनका लाभ उठाने का मार्ग अपनाया। इसी नीति को ध्यान में रखते हुए महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को देशी राजाओं को पूर्ण सम्मान किए जाने की घोषणा की। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि। 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए प्रोत्साहन किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए और पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों और उन पे मतलब कि अंग्रेजी रंग चढ़ जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीयों से दूरी में वृद्धि। तो अंग्रेज ने भारत में आरंभ से ही गोरे और कालों के आधार पर शिष्टता और हीनता की भावना यहाँ फैला रखी थी। 1857 की क्रांति के बाद तो प्रत्येक अंग्रेज भारतीयों से सावधान और अलग अलग रहने लगे। अंग्रेजों को ऐसा महसूस होने लगा कि भारतीयों से दूरी बनाए रखना ही उनके हित में है, क्योंकि नज़दीक आने से भारतीय अंग्रेजों के भेद जान लेंगे और उन्हें परेशान करने लगेंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम लोग बात करेंगे सरकार की नीति में परिवर्तन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंतिम दौर में भारत में कठोर और दमनात्मक नीति को अपनाया गया था। 1857 की क्रांति को जन्म देने का जो श्रेय था वो लॉर्ड डलहौजी की दोषपूर्ण नीतियों को यहाँ पर कहा जा सकता है। तो उसमें मतलब कि उसकी जो नीतियाँ थीं, जैसे कि उसने दत्तक प्रथा का विरोध किया था, उसने बहादुर शाह जफर का अपमान किया था, ऐसी जो कुछ नीतियाँ थीं उसको यहाँ पर 1857 की जो क्रांति हुई उसका परिणाम हो सकता है। यहाँ पर क्रांति के दौरान जो भारतीयों में असंतोष और रोष को देखकर अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विचार पर भी ध्यान देने लगी थी। ऐसा अनुभव किया जाने लगा था कि भारतीयों की अगर पूर्ण रूप से हम लोग उपेक्षा कर देते हैं तो वो लोग और ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे और ऐसी क्रांति दोबारा भी हो सकती है। तो भारतीयों के हित में तो सरकार ने कोई कदम तो नहीं उठाया, बट अनेक प्रकार से आश्वासन जरूर दिए, जो कि हम आगे सेफ्टी वॉल के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वो देखेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं भारतीयों के पक्ष में रहे सकारात्मक परिणाम, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला परिणाम था आत्मबल में वृद्धि। 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य को तो नहीं प्राप्त कर पाई, बट इसने क्रांतिकारियों के आत्मबल में वृद्धि की और उनके अंदर जो सोई हुई चेतना थी उसको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यहाँ पर उसने जागृत किया। आगे बात करते हैं राजनीतिक जागृति।
लंबी पराधीनता और शासकों को अपराजेय मानने की धारणाओं ने भारतीयों में आलस्य भर दिया था। पराधीनता को भारतीयों ने अपनी नियति मान लिया था। उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसे ही जन्म लिए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे। बट 1857 की जब क्रांति हुई तो भारतीयों के अंदर फिर से जागृति उत्पन्न हुई। उनका जो सोया हुआ रक्त था, जो ठंडा पड़ गया था, वो फिर से खोला और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर हम जोर लगाते हैं तो हमें स्वशासन की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे संगठन की प्रेरणा। 1857 की जो क्रांति है उसको संगठित रूप प्रदान करने की पूर्णतः कोशिश की गई, बट जो संचार व्यवस्था थी, सूचना प्रौद्योगिकी थी, उसके अभाव के कारण संगठन पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसलिए आगे कोशिश की गई कि कोई भी क्रांति की जाएगी तो उसमें पूर्णतः संगठन को ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एकता की प्रेरणा। 1857 की क्रांति का असफलता का एक मुख्य कारण था कि भारतीयों में एकता का ना होना। जैसे कि सिख और दक्षिण भारतीय जो क्रांति के विरुद्ध थे और अनेक देशी जो रियासत के शासक थे उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी, और जिन क्षेत्रों में क्रांति हुई थी वहाँ के भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था। तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता ही सफलता का मूल मंत्र है। इस तथ्य को भारतीयों का ध्यान क्रांति के असफल होने के बाद गया और फिर उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि। 1857 की क्रांति में जिस निर्ममता और क्रूरता के साथ अंग्रेजी सरकार ने उसका दमन किया था, उससे अंग्रेजी सरकार का जो असली चेहरा है भारतीयों के सामने आ गया था। और अंग्रेजों के इस क्रूरतापूर्व व्यवहार को देखकर भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया और इस क्रांति से स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि मिली। कहा जा सकता है मोटे मोटे तौर पे कि 1857 की क्रांति के बाद ही जितनी भी क्रांतियां बड़ी बड़ी हुई हैं उसका सूत्रपात हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष अथवा सैनिक विद्रोह ये है या नहीं, मतलब कि 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता संघर्ष है या सैनिक विद्रोह, इसके बारे में बताइए। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप पहले तथ्य देंगे कि पंडित नेहरू, वीर सावरकर, विपिन चंद्रपाल, ये मैंने कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत सारे नाम हैं बट मैंने शॉर्ट नोट्स में कुछ नाम यहाँ आपको दिए हैं। उन्होंने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और इसको कहने के पीछे उनके तर्क क्या थे कि ये सीमित न होकर विस्तृत था, मतलब कि ये ऑलमोस्ट पूरे भारत में फैला हुआ था, इसीलिए इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच समन्वय, जैसे कि ग्वालियर और झांसी के नेताओं के बीच समन्वय था और ऐसे ही बहुत सारे कानपुर और लखनऊ के बीच ऑलमोस्ट समन्वय था, तो इन क्षेत्रों के बीच समन्वय था इसीलिए इसे इन लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी, इसमें जमींदार, मजदूर, किसान, सैनिक सभी ने ऑलमोस्ट भाग लिया था तो इसीलिए इन लोगों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उद्देश्य, विदेशी शासन को समाप्त करने की भावना, इसका जो उद्देश्य था वो सभी वर्गों के लिए समान था। सब लोग यही चाहते थे कि हमारा देश पराधीनता को त्याग कर स्वाधीनता को प्राप्त करे और विदेशी शासन को समाप्त किया जाए, तो यहाँ पर ये उद्देश्य सेम थे। तो ये तर्क आप लोग अपने आंसर राइटिंग में देंगे और इस कारण से इन लोगों ने कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इन लोगों के नाम नहीं याद आते हैं तो आप ये पॉइंटर देके अपने इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि रमेश चंद मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन और जेम्स आउट्रम ने कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है, और सैनिक विद्रोह कहने के पीछे इनका मेन रीज़न था, वो रीज़न यहाँ पर इन्होंने दिया है। सबसे पहले देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अछूता था, जैसे कि मद्रास और पंजाब, यहाँ पर ये क्रांति बिल्कुल भी नहीं हुई थी। निश्चित योजना का ना होना, मतलब कि यहाँ पर जो भी क्रांति हुई थी उसमें कोई एक निश्चित पर्टिकुलर योजना नहीं थी। एक तो उसका टाइम ही निश्चित नहीं था कि कब होगा, कभी कहीं हुई थी और कभी कहीं, इस कारण से ये सैनिक विद्रोही कहा गया। आपसी तालमेल का अभाव, यहाँ जो इतने भी राजा थे उनमें आपसी तालमेल का अभाव था। जितने भी विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, वो लोग आपस में तालमेल नहीं रखते थे और संचार साधनों के अभाव के कारण भी यहाँ आपसी तालमेल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है योग्य नेतृत्व की कमी, कोई एक नेता नहीं था यहाँ पर किसी का, यहाँ पर मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता थे और उन ओवरऑल नेताओं का कोई एक पर्टिकुलर नेता नहीं था, इसलिए यहाँ नेतृत्व की कमी पाई गई और इसे सैनिक विद्रोह ही कहा गया।
विभिन्न नेताओं के द्वारा निजी हित की लड़ाई। यहाँ पर जो नेता यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे वो सिर्फ अपने हित के लिए लड़ रहे थे, सैनिक अपनी अपना जो शस्त्रार्थ थे या अपना जो वेतन है उसको बढ़वाने के लिए लड़ रहे थे, कृषक जो थे वो लगान माफ़ करने के लिए लड़ रहे थे, जमींदार अपनी जमीन पाने के लिए लड़ रहे थे, राजा अपना जो भी उनका क्षेत्र था वो वापस पाने के लिए लड़ रहे थे। तो इसी तरह सबकी अलग अलग यहाँ पर डिमांड थे और सब अलग अलग अपनी डिमांड के लिए लड़ रहे थे, किसी का एक निश्चित उद्देश्य नहीं था। तो इन्होंने ये सारे रीजंस दिए हैं कि ये सैनिक विद्रोह था इस कारण से। तो आप इन दोनों जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं इसको कंबाइंड करेंगे और जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को यहाँ प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूँगी। आज ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है यहाँ पर। इसकी PDF आप लोगों को अब से कुछ देर बाद सक्सेस मंथ पेज और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा कि उसमें आपके काम काम की कौन सी वीडियो चल रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंथ।